अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ 1 का लेक्चर नंबर 19, और इसमें हम करेंगे इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट। मींस हमारे पास जो इक्वेशंस होगी उनकी डिफरेंट टाइप्स थी होंगी, लेकिन हमें उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए उनको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना होगा, और वो रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म होंगी कि हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। मींस हमारे पास मेथड्स हैं उनको रिड्यूस करने के, और उनको हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे, और उसके बाद हम उनका जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, हम उन पे वो इम्प्लीमेंट करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। चलिए हम करते हैं स्टार टाइप नंबर 1। द इक्वेशन ऑफ द टाइप ए ए एक्स टू पावर पावर 2n प्लस बी एक्स पावर n प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास देखिए एक्स एक वेरिएबल है, उसकी जो पावर है वो 2n है। 2n मींस कि यहाँ पर जो भी पावर होगी ना वो 2 के मल्टीपल में आ रही होगी, ठीक है। चाहे वो 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, जो भी पावर होगी वो 2 मल्टीपल में होगी। और इसी तरह से वो यहाँ पर भी वो भी पावर होगी सिंपल में, लाइक ए पावर एक्स पावर 3 अगर हमारे पास यहाँ पे है 6, तो प्लस बी पावर 3 प्लस सी इज इक्वल टू 0। मीन्स ये जो है ना हमारे पास ये 6, ये क्या है 2 मल्टीपल ऑफ 3, 3 का जो है ये मल्टीपल आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फिर हमें पुट करना है ये नंबर जो है हमारे पास, ये वेरिएबल जो पावर होगी ना इस वेरिएबल की, हमें उसको वाई के इक्वल पुट करना है। वी गेट द क्वाड्रेटिक इन वाई, तो हम जो कि क्वाड्रेटिक इन वाई में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फिर हम इजीली। हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें एक इक्वेशन दे दी गई है जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है, पर हम इसे रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो फॉर्म दी गई है ना, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पावर है ना एक्स पावर एन है, और यहाँ पर एक्स पावर 2n है, मीन्स उसका मल्टीपल दे दिया गया है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मीन्स हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना ये इस टाइप में है। जब इक्वेशन हमारे पास इस टाइप में आ रही है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हमें सिंपली क्या लेट करना है, वाई इज इक्वल है एक्स पावर 2, यानी कि ये जो हमारा वेरिएबल है एक्स पावर 2 हमें ये लेना है एक्स स्क्वायर, और ये इसका क्योंकि मल्टीपल आ रहा है 2 का मल्टीपल है, ठीक है। अगर हमारा 2 के मल्टीपल में लाइक ये एन है और ये भी एन है, तो ये हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो 2n माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है इक्वेशन में, तो माइनस इलेवन पावर एन प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा 2। तो ये हमारी ये इक्वेशन बन रही है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो यहाँ पे जो एन है ना वो हमारे पास क्या है, एन इज इक्वल टू 2a। तो हम जो है एक्स पावर 2 को इज इक्वल टू वाई पुट करेंगे और ये हमारी जो इक्वेशन है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। देन हम इस इक्वेशन को, अब ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई तो इसको हम तीनों मेथड में से जो हमें इजी लगता है उसको इम्प्लीमेंट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय फैक्टराइजेशन हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास 2 आ गए हैं, वाई माइनस 5 टर्म आ गई और 2y-1 टर्म आ गई। दोनों टर्म्स को इक्वल टू 0 किया है और यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, एक वाई इज इक्वल टू 5 आ गया और वाई इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उस समय हमें जो गिवन था ना वेरिएबल वो था एक्स, और वाई क्योंकि हमने खुद से पुट किया है तो जब हमें खुद से कुछ पुट करेंगे तो हमें उसे बैक पुट भी करना पड़ेगा, ठीक है। जिस वेरिएबल में क्वेश्चन में दिया जा रहा है, जिस जो क्वेश्चन में पूछा गया वेरिएबल है, आंसर है ऑलवेज जो होगा वो उसी वेरिएबल में होगा, तो हमें वाई को अगेन जो बैक लेट करेंगे हम वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में पुट किया था हम पुट करेंगे दोनों साइड्स पे, और ये स्केयर टर्म को खत्म करने के बाद हमारे पास जो है यहाँ से भी 2 आंसर आएंगे और यहाँ से भी 2, क्योंकि 5 है। जब स्केयर रूट हम स्केयर खत्म करेंगे तो स्केयर रूट आएगा, तो प्लस माइनस स्केयर रूट 5, और ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम करेंगे इक्वेशन को सॉल्व, और ये जो इक्वेशन है देखें इसमें जो एन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का दिया गया प्रीवियस इक्वेशन से। लाइक इसमें जो एन है आप देखें 2/5 है, तो 2 1/5, तो हमारे पास जो एन है ना वो 1/5 है। देखिए यहाँ पर भी 1/5 दे दिया गया, तो जब हम इस इक्वेशन को पहले तो हम इसको अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए, हम देखें अब ये जो इक्वेशन है ना वो सेम उसी टाइप की बन रही है कि 2 मल्टीपल n-6 पावर n+8 इज इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन में जो हमारे पास एन के अंदर होगा ना नंबर, तो हमने उसको लेट कर लेना या पुट कर लेना वाई इज इक्वल टू 1/5। तो हमें जो है ना उसको पुट करना है
वाई इज इक्वल है एक्स ओवर एक्स की पावर 1/5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास देखिए ना ये जो है ये नंबर लेटो है, तो बाकी जो बचेगा वो स्क्वेयर। तो ये हमारी जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो प्रीवियस मेथड्स हैं हम उनसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट जो है आप देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है वो 2 आंसर्स आ रहे हैं, वाई इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 4। अब क्योंकि हमने खुद से पुट किया था तो हमें इसको बैक पुट करना पड़ेगा, तो वाई की जगह पे हम जो इसकी बैक वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे, एक्स पावर 1/5। तो ये पावर 1/5 जो है, जब हमें इसको ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे 5 पावर ले लेंगे, तो उससे ये पावर तो ख़त्म हो जाएगी और यहाँ से ये जो पावर है 2/5 जो है वो 32। सिमिलरली केस हमें इस तरफ भी सॉल्व करना है, तो 4/5 जो है वो 1025। मीन्स 2/5 का मतलब क्या है कि 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स, ठीक है। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, ठीक है। तो ये इस तरह से 32 आ रहा है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास इक्वेशन, जो सेकंड टाइप की इक्वेशन है जो इससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, अब वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। द इक्वेशन इन विच द वेरिएबल अपेयर्स इन एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, के वो इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल है ना वो अपेयर होता है एक्सपोनेंट्स में, मीन्स पावर में जब वेरिएबल्स आ जाते हैं ना तो वो जो इक्वेशन बन जाती है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन जाती है। लाइक हमारे पास ये जो इक्वेशन है, देखिए इसमें पावर में वेरिएबल्स हैं एक्स प्लस वाई और वाई 5 पावर x-1। तो ये जो इक्वेशंस में पावर में वेरिएबल आ जाते हैं वो हमारी जो इक्वेशंस है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस आ जाती हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करना है आप वो इस एग्जांपल नंबर 3 में हम करेंगे फॉलो। तो एग्जांपल नंबर 3 में हमें एक ऐसी ही इक्वेशन दे दी गई है जिसके पावर में वेरिएबल दे दिया गया है, तो हमें सिंप्लीफाई करने के लिए इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होगा। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए देखिए हम यहाँ पर रूल जो यूज़ करेंगे ना, ए पावर एम प्लस एन, ये हमने रूल स्टार्ट में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। तो हम इसको ए पावर एम इंटू ए पावर एन लिख सकते हैं, ये हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने रूल पढ़ा है, ठीक है। तो इस रूल को यूज़ करते हुए हम ये 2 पावर x+3 के स्प्लिट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पावर x इंटू 2 पावर 3। अब ये 2 पावर 3 है ये हमारा 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम 8 लिख देंगे, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 आ जाएगा, और ये 128 is equal to 0। तो पुट हमने कर दिया 2 पावर x इज इक्वल टू y और ये इक्वेशन 1 आ गई है। तो हमारे पास ये देखें यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y जो स्क्वेयर हमारे पास देखिए ये 2 पावर x क्योंकि हमने ले लिया है 2 पावर x लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचता है ये वाला पावर में, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये एज इट इज वाई के इक्वल आ जाएगी। और बाकी हम इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। जब एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो हमारे पास प्रीवियस मेथड्स है ना हम उनको यूज़ करेंगे, हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आंसर्स आ गए। अब हमें इसको करना है बैक पुट, तो हम वाई की जगह पे जो हमने टर्म यूज़ किया हम उसी को पुट कर देंगे, तो 2 पावर x। अब देखें अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास क्योंकि वेरिएबल की हमें पावर वेरिएबल की वैल्यू चाहिए ना, तो हमें वेरिएबल की वैल्यू कैसे मिलेगी कि इस नंबर की जो पावर, जब कोएफिशिएंट सेम होंगे तो उनकी पावर्स बराबर हो जाएंगी, ठीक है। मीन्स के जब कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं तो उनकी पावर्स भी इक्वल होती है, तो हमें इनकी जो पावर्स है ना उनको हम ले लेंगे, x इज इक्वल टू 4 और 2 पावर x इज इक्वल है 3 2 पावर 3। तो इसी तरह से x इज इक्वल टू 3 क्योंकि कोएफिशिएंट्स इक्वल है तो उनकी पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आ गया वो 3 और 4 की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट है टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 3 की फॉर्म में जो इक्वेशंस हैं वो किस तरह की फॉर्म में होंगी, उनकी इक्वेशन की फॉर्म ये है, और उसमें हमें सॉल्व करने के लिए कंडीशन क्या दे दी गई है कि जो इस तरह की इक्वेशन है ना हमें करना है जहाँ पे a+b इज इक्वल है c+d। मीन्स कि हम a और b को प्लस करें जो आंसर आए वही हमारा आंसर है c+d को प्लस करने से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इनकी सेटिंग करनी होगी, देखिए 1 और 4 को हम प्लस करते हैं तो 5 आता है, जैसे 2 और 3 को हम प्लस करते हैं तो 5 आता है, तो दोनों इक्वल आते हैं। तो हमें ये जो पेयर्स बनाने हैं ये इस तरह से बनाने हैं। तो इस तरह से पेयरिंग का मकसद क्या है हमारा, इस तरह से पेयरिंग करनी है, कोई पर्पस तो होगा, रेंडमली तो हम नहीं कर रहे हैं ना। हमारा पर्पस क्या है कि हमारी जो नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन आएगी ना उसकी फर्स्ट 2 टर्म्स जो है वो दोनों में सेम हो जाएंगी, ताकि हम उनको रिप्लेस कर सकें या हम लेट कर सकें किसी एक नंबर के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास ये देखें जो, अब जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर्स आ रहे हैं,
तो हम लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई। तो इसको हमने वाई के इक्वल लेट करके इक्वेशन नंबर वन, इसको इक्वेशन नंबर वन कह दिया गया है, उसमें पुट कर दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो ये आ गई। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई वो ये आई। अब इस क्वाड्रेटिक में क्योंकि हमारे पास सी वाली वैल्यू तो नहीं है, तो हमें तो डायरेक्ट ही आंसर मिल जाएगा वाई इज इक्वल टू जीरो और वाई प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। तो वाई इज इक्वल टू जीरो क्योंकि हमने अब वेरिएबल हमारा स्टार्टिंग पे एक्स था, तो हम वाई में वैल्यू नहीं दे सकते, हमें एक्स में देनी पड़ेगी। तो हम इसको बैक लेट करेंगे और वाई की जगह पे हम जो है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू जीरो बाय इक्वेशन वन। तो हमारे पास एक्स कॉमन होगा, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। और इसी तरह से वाई प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो है, तो वाई की जगह पे हम ये जो वैल्यू है उसकी उसको पुट करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। देखिए 10 हमारा जो होगा वो मल्टीप्लाई करने से आता है 2 और 5 को। तो जब हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 आता है सम करने से, और अगर हम उनका सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आता है। तो 5 की पॉसिबिलिटी किसी तरह से भी नहीं है। और हमारे पास जो मल्टीपल कैसे आते हैं, 1 और 10 को मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, लाइक 1 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 10 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तब हमारे पास 10 आएगा। ये हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज है जिनसे 10 आ सकता है, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पर इनको हम सब्ट्रैक्ट करें या प्लस करें तब भी किसी सूरत में हमारे पास 5 नहीं आ रहा है। तो हमें इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे, वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हुए यहाँ पे थोड़ी सी ये राइटिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये 40, और इस माइनस की वजह से ये जो है ना, क्योंकि ये बड़ी स्टेटमेंट के साथ है तो ये माइनस आएगा। अब ये जो माइनस है इसको हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे, अयोटा टर्म को यूज करेंगे। तो हमने जो भी अयोटा लगाना है ना वो स्केयर रूट से बाहर होगा। तो ये नेक्स्ट हमारे पास ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब टाइप नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो जो टाइप नंबर 4 है उसमें हमारे पास वो इक्वेशंस आएंगी जिनमें रेसिप्रोकल टर्म्स है, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि रेसिप्रोकल इक्वेशन, एन इक्वेशन इज सेट टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर एक्स। कि रेसिप्रोकल इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें हम एक्स को अगर 1 बाय एक्स से रिप्लेस कर दें तो वो रिमेन अनचेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जैसे कि ये इक्वेशन दे दी गई है हमें, हमने इसमें देखें इस इक्वेशन को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, आर द एग्जाम्पल ऑफ रिप्लेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये जो हमारे पास है ये एग्जाम्पल्स हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस की। द मेथड टू सॉल्व द रेसिप्रोकल इक्वेशन इज इलिस्ट्रेटेड इन द एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें इलिस्ट्रेट किया गया है इस मेथड को। तो हमें ये एक इक्वेशन दे दी गई है, इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या करना है, जो इसकी मिडिल पावर होगी ना हमने उससे इसको डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर वी कैन। जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। देखो क्योंकि ये 4 है तो 2 2 कैंसिल होके पीछे 4 बच जाएगा। इसी तरह से 3 है तो ये कैसे होगा, देखिए ये 2x/4 over x/2। तो जब भी हमारे पास रूल था a/m/a/n इज इक्वल है a/m-n, तो यहाँ पर भी वही होगा, वेरिएबल जो होगा 4 - 2 तो 2x/2, जिसमें पावर जितनी बड़ी होगी दूसरी स्टेटमेंट उधर ही चले जाएगी। अगर तो डिनोमिनेटर में टर्म बड़ी आ रही है तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाएगा, अगर न्यूमिनेटर में आ रही है तो वेरिएबल हमारा न्यूमिनेटर में आएगा। तो इसको करने से हमारे पास ये आ गई इस तरह से इक्वेशन। अब इसमें देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को हमने सिंपल एक साइड पे कर लिया और एक्स वाली को एक साइड पे कर लिया। अब हमने लेट किया है, देखिए x+1 over x = y। तो अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट जो है वो इसकी स्क्वायर टर्म है, लेकिन वो होल स्क्वायर नहीं है। देखिए इसको जरा फोकस करिएगा, अब ये हमारे पास है, इसका जब हम होल स्क्वायर लेंगे ना तो वो वाई स्क्वायर के इक्वल आएगा, लेकिन हम यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर तो लगा ही नहीं है, यहाँ पर तो सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया हुआ है, तो हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। हम करेंगे जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a(b), तो ये आपके पास आ गया जी वाई स्क्वायर के वाई के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हमारे पास क्या जी होगा, x+1 over x² इज इक्वल है वाई स्क्वायर और -2। ये 2 क्योंकि प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाए, तो हम यहाँ पे कहेंगे देन ये जो है ये इसकी इक्वल आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे,
इस पूरी टर्म को रिप्लेस कर देंगे वाई माइनस टू से, और नेक्स्ट में देखिए इसको हम वाई से करेंगे और लेट करके, और ये माइनस वन एज इट इज। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 5, हमारे पास 10 आ रहा है, और इन दोनों को माइनस करने तो 3 भी आ रहा है, तो ये हमारा इजीली फैक्टर्स बन रहे हैं, तो इसको हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जब आंसर्स आ जाएंगे, देखिए हमारे पास आंसर्स आ गए, तो हमें आंसर्स को बैकलेट करना होगा। हम इसको बैकलेट करेंगे और उसके बाद अगेन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी, वो फॉर्म हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो हम किसी तरह भी पॉसिबिलिटी नहीं कर सकते, तो इसको हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर भी ये जो हमारी, देखिए 2 2 4, और 4 माइनस 1 या 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 आ जाता है, ठीक है, क्योंकि -4 -1 है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑलरेडी माइनस है, तो हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, तो हमें बड़ी स्टेटमेंट के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, पर हमें 5 भी चाहिए, तो हमें साथ में -x भी करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ, ये स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए अब हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 हो गया हमारे पास, देखिए तो ये हमारी इक्वेशन है 2x-5x+2 = 0। अब देखिए ये जो है हमारे पास है ना -5, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे जी हमारे पास प्रोडक्ट है, ये 4 आ रहा है, 4 की पॉसिबिलिटी क्या है, 4 × 1 भी 4 होता है, हमारे पास 4 होता है, तो अब हम क्या करेंगे, -4 -1 = -5, तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम कहते हैं जी 4 + 1 भी तो 5 होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो सिंबल आ रहा है हमें उसको भी तो देखना है, हमें ये डिजिट के साथ चाहिए, क्यों? क्योंकि ये जो उसकी ना, ये जो है ना, ये कोफिशियंट है कंप्लीट -5, क्यों? क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, उसमें यहाँ पर प्लस है माइनस नहीं है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से जब भी हमने कंपेयर करना है तो ये जो माइनस है ना, ये इस 5 के साथ चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ना, ये सिंबल साथ ही जाएगा। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, और यहाँ से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारी टाइप नंबर 5। अब हमारी जो टाइप नंबर 5 है उसमें हम रेडिकल इक्वेशंस को करेंगे डील। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। हमने वो इक्वेशंस अब लेनी है जो कि अंडर अ रेडिकल साइन आ रही है, वो रेडिकल इक्वेशंस आ रही है, ठीक है। तो x+1√ = लाइक दिस, ये इसमें रेडिकल साइन इन्वॉल्व है, इस इक्वेशन में आल्सो रेडिकल साइन इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, वो हम उसकी तरफ आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए हर टर्म में रेडिकल साइन जो है स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, हमें जस्ट ये करना होगा कि जो माइनस में है टर्म हम उसको दूसरी साइड पे जाते हैं, राइट हैंड साइड पे, क्यों? क्योंकि हमें 3 को डील करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए हमारे पास जब 2 होती है उसके लिए तो हमारे पास ये फॉर्मूला मौजूद है, a² के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, पर वो जो है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम उसे अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो करने को तो हम तीनों एक साइड पे रख के भी हम स्केयर का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, पर उसका बेनिफिट नहीं होगा हमें, तो हमें जो है ना उसमें ज्यादा टर्म्स मिल जाएंगी, और उसमें टर्म्स की वजह से प्रॉब्लम्स काफी होंगी, हमें उनको सॉल्व करना पड़ेगा फर्दर, और उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, तो इसलिए हम उस सबको अवॉइड करने के लिए हम एक टर्म को दूसरी साइड पे, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड पे हमने इस टर्म को शिफ्ट किया, अब हमने बोथ साइड पे जब स्क्वायर लिया ना, तो ये जब हमारे पास देखिए ये फर्स्ट हमारा ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होगा, √x+7 होल स्क्वायर + √x+2 होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड्स पे, +2 ए भी है तो अब ए और बी एज इट इज आ गए हैं। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो टर्म है हमारी, ये जाके यहाँ पे माइनस हो जाएगी इनके साथ, माइनस होने के बाद 2 × दिस स्केयरिंग बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड्स का स्केयर किया है, और स्केयर करने के बाद फाइनल जो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसमें क्योंकि 4 टर्म जो है वो सब में आ रही है कॉमन है, तो हम उसको कॉमन करके 0 से डिवाइड कर देंगे तो वो फिनिश हो जाएगी, तो पीछे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, और ये हमारे पास इसके 2 आंसर्स आ गए। अब देखिए अब यहाँ पर जब भी आपने स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन करने हैं ना, उस समय जो हमारे पास रूट्स आएंगी उनमें एक एक्सट्रेटेनियस रूट्स होगी। एक्सट्रेटेनियस रूट्स कौन सी होती हैं? फॉर सोल्यूशन ऑफ द रेडिकल इक्वेशन, जब भी आप रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना,
वी ऑब्टेन रेडिकल फ्री इक्वेशन, हम रेडिकल फ्री इक्वेशन मिल जाती है, लाइक हमें ये रेडिकल फ्री इक्वेशन मिल गई है जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया. द सोल्यूशन ऑफ रेडिकल फ्री इक्वेशन मे नॉट बी द सोल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन, कि जब वो रेडिकल फ्री हुई ना तो उस फ्री होने के चक्कर में जो प्रोसेस था उसमें जरूरी नहीं है कि जो रूट आई है वो उस रेडिकल वाली इक्वेशन की ही रूट हो. मीन्स के यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि देखें, एक तो ये इक्वेशन थी और एक ये इक्वेशन है जो रेडिकल फ्री इक्वेशन है, तो हमें जो रूट मिली है वो इससे मिली है, ठीक है. तो इससे जो हमें रूट्स मिली है हमें उनको इसमें पुट करके चेक करना होगा क्या वो इसकी रूट्स हैं या नहीं. जब भी रेडिकल इक्वेशन की बात हो रही है वैसे नहीं, तो हम क्या करेंगे जी, हम इसकी चेकिंग करेंगे यहाँ पर. यहाँ पर क्योंकि हमें दो रूट्स दी गई थी, हम वन बाय वन दोनों को पुट करके चेक करेंगे, जो हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी कंडीशन को वो हमारी एक्सटेंटेनियस रूट्स होगी, और दूसरी जो होगी वो सोल्यूशन सेट में आ जाएगी. लाइक हमारे पास ये एक्स इज इक्वल है -5/3, तो हम इसको पुट करते हैं. तो पुट करने के बाद देखिए इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे ये इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, पर ये इक्वल टू जीरो नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू. तो ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंटेनियस रूट आ गई है. तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ गया 2 का वो ये आ गया है. अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3. तो एक्सरसाइज 5.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो टाइप नंबर 1 से रिलेटेड है. देखिए इसमें अब एक्स पावर 4 है और एक्स पावर 2 है, तो यहाँ पर एन हम 2 लेंगे तो ये 2 मल्टीपल में आ जाएगा. तो हम इसको यहाँ पर लेट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल है वाई, तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. जब हम इसको लेट कर लेंगे तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा, ये इक्वेशन जो आ जाएगी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी, और इसको हम फैक्टराइजेशन इजिली फैक्टर कर सकते हैं. देखिए हमारे पास 36 है. अब 36 जो होते हैं उसके फैक्टर्स हमारे पास कैसे बनते हैं, 9 × 4 हमारे पास 36 बन जाता है, 6 × 6 भी 36 बनता है, 6 × 6 भी 36 होता है, 9 × 4 भी 36 होता है, और हमारे पास 36 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो उसके बाद 1 × 36 ये भी हमारे पास 36 होता है. तो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं. अब देखिए अगर हम 6 + 6 करेंगे तो हमारे पास 13 तो नहीं आएगा डेफिनेटली, तो हमारे पास आएगा 12. तो ये हमारे फैक्टर का नहीं है, हमें चाहिए 13. तो 9 + 4 जब हम करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा, लेकिन क्योंकि माइनस वाली वही जो भी प्रीवियस मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल्स में डिस्कस करके हटी हूँ कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट है ना उसके साथ जो सिंबल है ना हमें मस्ट भी वही चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -9 - 4 करेंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो -13 हो. लेकिन अगर हम करते हैं जी 9 + 4 तो हमारा आंसर आएगा 13, विच इज नॉट माइनस सिंबल डेफिनेटली हमें चाहिए. क्यों, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो ये है, उसमें माइनस नहीं है, ठीक है. तो ये जो माइनस है ये कोफिशेंट के साथ आ रहा है, मीन्स ये नेगेटिव सिंबल जो है ना ये कोफिशेंट के साथ आएगा, तो हमें इसे नेगेटिव सिंबल को कोफिशेंट के साथ ही रखना होगा. तो अब हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी इसको हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं, तो इसके ये दो फैक्टर्स बन गए हैं. तो हमारे पास जो ये आएगा वाई इज इक्वल टू 4 आ गया, वाई इज इक्वल टू 9 आ गया. अब नेक्स्ट हमें देखिए इनको बैकलेट करना होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बैकलेट से हम करेंगे, वाई की जगह पे हम जो वाई में हमने लेट किया उसको पुट कर देंगे, तो एक्स इज इक्वल है +√2 और एक्स इज इक्वल है +-2 आ जाएगा जब हम स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे इसी तरह से. ये तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, +-2 और +-3 आ गया जब हमारे पास ये आए थे दोनों. अब हम नेक्स्ट जो है अगली क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें देखिए पावर एक्स पावर -1 दे दी गई है, ठीक है. तो इसको हम लेट कर लेंगे वाई के इक्वल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये 3 वाई और ये -10 = 0, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. हमने इसके ऊपर टाइप वन इम्प्लीमेंट किया और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में. अब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये फैक्टर हमने प्रीवियस भी बनाए हैं. 2 × 5 = 10 होता है, और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा. अब देखिए यहाँ पे 3 चाहिए हमें, सब्ट्रैक्शन चाहिए और नेगेटिव सिंबल के साथ चाहिए, तो हमें यहाँ पर माइनस नहीं लगाना, हमें 5 के साथ माइनस लगाना है. तो इसके जो दो फैक्टर्स बन गए हैं वो बन गए जी y+2 और y−5 = 0. तो ये दोनों फैक्टर से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी. अब क्योंकि हमने खुद से लेट किया था y, हमारे पास जो ओरिजिनल था वो x था, तो हम इसको बैक लेट करेंगे तो ये हमारे पास जी x−1 और x−1, इट मीन्स ये जो है ये डिनोमिनेटर में जाएगी, टर्म माइनस में है ना तो ये डिनोमिनेटर में जाएगी. तो यहाँ से अब देखें क्योंकि हमारे पास 1/x = -2,
एक्स की वैल्यू लेंगे तो इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। एक्स का रेसिप्रोकल जब हम लेंगे, 1 और एक्स का रेसिप्रोकल जब हम लेंगे तो एक्स होगा, और इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारे पास ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें इक्वेशन दे दी गई है वो हमारी जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे है, हमें कैसे पता चला है जी 2 का मल्टीपल, कैसे हमें ये वाला वायलेट करना है, हमें कैसे आइडिया हुआ। देखिए ये है 1/2 -x^1/4 -6=0। अब देखिए अगर मैं 1/4 को मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से, क्या ये 1/2 नहीं बनता? बनता है ना। तो इट मीन्स ये आपके पास क्या है, 2 मल्टीपल ऑफ 1/4। तो ये हमारे पास क्या है, 2n, ये हमारे पास क्या है जी, n। तो हम इसको लेट करेंगे, 1/4 = y, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, y² - y - 6=0। ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गई है। अब इसको हमने बाय फैक्टराइजेशन मैथड सॉल्व की है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। बाय फैक्टराइजेशन मैथड वही है जो हम प्रीवियसली पूरे चैप्टर में डिस्कस करते आ रहे हैं, तो बार बार मैं एक चीज को डिस्कस नहीं करना चाह रही हूँ। तो अब हम देखिए इसको बैकलेट करेंगे, तो x^1/4 = -2 और x^1/4 = 3। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो दो दो आंसर आ गए। अब हमें देखिए, अब इस पावर में जो है इसको खत्म करने के लिए हमें इसकी पावर बोथ साइड पे 4 लेनी पड़ेगी। तो जब हम बोथ साइड पे पावर 4 लेंगे तो ये 1/4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास दूसरी साइड पे पावर रह जाएगी। अब क्योंकि पावर जो है वो इवन नंबर है, तो जो नेगेटिव सिंबल होगा वो खत्म हो जाएगा। लाइक कैसे, -2 × -2 × -2 × -2, क्योंकि 4 दफा करना है। तो ये हमारे पास हो गया जी 4, और यहाँ से भी 4 हो गया, तो 4 × 4 = 16 हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरी साइड से भी हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम, तो हमारे पास 81 आ गया। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो रिलेट कर रहा है जो हमारी इक्वेशन की टाइप 2 है, जिसमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ रही है हमारा, उससे रिलेट कर रहा है। तो हम इसको इक्वेशन को पहले हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर पावर रूल इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्सपोनेंशियल ला जो था हमारा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे 2 पे। देखते हैं अब इसके सॉल्यूशन में। तो हमने 2 पे लिया, अप्लाई कर दिया है ला, तो ये दोनों स्प्लिट हुए। अब 2 पावर 2 मीन्स 4, 4 3 = 12। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। अब हमारे पास देखिए 2 पावर x और 2 पावर 2x है, तो ये 2 का मल्टीपल है, तो हम लेट कर देंगे 2 पावर x = y, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के बाद हम इसके ये जो फैक्टर्स है वो बना देते हैं, y = 4 और y = 8 है, हमारे पास ये आंसर आ रहे हैं। अब यहाँ से देखिए हम y को लेट करेंगे बैक लेट, तो ये 2 पावर x = 4 है और ये 2 पावर x = 8 है। अब देखिए वही जो हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था एग्जाम्पल में, कि जब हमारे जो है कॉफिशियंट्स इक्वल हो जाएंगे तो उनके पावर्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो हमें जो कॉफिशियंट्स है उनको इक्वल करना पड़ेगा। तो हम 2 2 दोनों साइड पे हमारे इक्वल हो गए, तो जो उनकी पावर्स होगी वो भी इक्वल हो जाएंगी डेफिनेटली। तो x = 2 और x = 3, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने उसको सॉल्व किया हुआ है। तो उसमें पहले हम इसको ओपन करेंगे, तो ये हमारे पास 2 सेपरेट होगा और 2 पावर x जो है वो सेपरेट होगा, तो 2 2 × 8 और ये 9। अब देखिए हमारे पास ये जो है ये 2x है, तो ये जो है ये हमारा वाई टर्म है, ये क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे वाई और यहाँ पे y² + 1 = 0, 8y² - 8y - y + 1 = 0। तो 8y × y - 1, अब जब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए बाय फैक्टराइजेशन हमने इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई किया, और ये हमारे पास इसमें से 2 आंसर्स आ गए, एक y = 1 आ गया और एक y = 1/8 आ गया। अब हमें क्योंकि हमने लेट कर लिया था, तो हमें बैक लेट करना होगा, हमें आंसर जो है वो ओरिजिनल वेरिएबल में देना होगा, और हमें x की वैल्यूज ही फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ से जब हम करेंगे तो ये 2 ये 1 है, तो 2 पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1। इनफैक्ट कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर हम 0 ले लेते हैं तो वो 1 होगा। तो हमें यहाँ पे 2 पावर 0 = 1 है, तो हम करेंगे तो जब हमारे कोफिशेंट इक्वल हो जाएंगे तो उनकी पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, तो x = 0 आ जाएगा यहाँ से। इसी तरह से हमारे पास 2 पावर x = 1/8, तो वाई इक्वेशन 1, 2 पावर x = 1/8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 पावर 3 है पर डिनोमिनेटर में,
जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये पावर जो है जब ऊपर आएगी तो ये माइनस में आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर से हम पावर लेके आए, तो कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए, तो इनकी पावर से इक्वल होगी, तो हमारे पास ये आंसर आ गए, ये हमारे सोल्यूशन सेट्स आ गए। तो हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है ये भी हमारा एक्सपोनेंट से रिलेटेड ही है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी देखें 2 पावर -x है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब हम इसको लेट करते हैं तो ये y+64/y-20। तो अब हम देखें इसको, ये हमारे पास रेसिप्रोकल वाली इक्वेशन बन रही है, तो अब हम इसको रेसिप्रोकल से खत्म करने के लिए इसको y y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसको अरेंज किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंजमेंट के बाद अब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन मैथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय फैक्टराइजेशन मैथड को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। वाई माइन अब यहाँ से हमारे पास दो टर्म्स आ गई, y-4 = 0 और y-16 = 0। तो यहाँ से हमारे पास दो आंसर्स आ रहे हैं, बट हमारे क्योंकि वेरिएबल था वो एक्स था, तो हमें आंसर भी एक्स वेरिएबल में देना होगा, तो हमें बैक लेट करना पड़ना है। और उसके बाद बैक लेट करने के बाद हमारे पास जो कोफिशियंट है जब वो इक्वल होंगे तो उनकी पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, तो हम इनके कोफिशियंट्स को इक्वल कर देंगे जिससे हमारी जो पावर्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी और हमें आंसर मिल जाएगा x = 2 और x = 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन जो है ये हमारे पास टाइप जो है जिससे रिलेट कर रहा है वो हमारे पास कौन सी टाइप थी, x+a × x+b और x+c और x+d। तो ये x+d = 0। तो ये जब इस तरह की कोई इक्वेशन होगी तो हमने फैक्टर्स किस तरह से बनाने थे कि a+b = c+d। तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे कि उन दो को ऐड करने से हमारे पास सेम आंसर आ रहा होगा, कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते तो -12 आता है और इन दोनों को ऐड करते तो 10 आता है, और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो -1 आता है और इन दोनों को करते हैं तब भी -1 आ रहा है। तो हमें पेयर्स कौन कौन से बनाने हैं, हमें बनाने हैं x-5 और x+4। तो इन दोनों को कंबाइन करने से -1 और इसी तरह से -7+6, इन दोनों को कंबाइन करने से -1। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास जो ये फर्स्ट टू टर्म्स होंगी वो सिमिलर होगी, दोनों में सेम होगी, हम ये प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सिमिलर टर्म्स आ रही हैं, और इसमें अब क्योंकि दोनों में आ रही हैं अब हमें इसको लेट करना पड़ेगा, y²-x = y। इसको लेट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिया है, सिंप्लीफिकेशन की है, और ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर ले, या अगर तो ज़्यादा क्योंकि इसका फैक्टर बनाना थोड़ा सा होगा ट्रिकी, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं और बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम ज़्यादा जो प्रेफरेबल मेथड रहेगा ना वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रहेगा, अगर आपको फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स इसके याद नहीं रहते हैं तो। तो यहाँ से भी हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, y-6 = 0 और y-56 = 0। इसी तरह से अब बैक लेट कर देंगे, तो बैक लेट करने के बाद अगेन जो दोनों साइड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई उनको सिंपलीफाई करने के लिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करेंगे, और फैक्टराइजेशन मेथड से हम जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर्स आ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट को देखकर हम जब सॉल्व करेंगे, और देखिए इसमें भी हमें उसी तरह से ही करना पड़ेगा कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म जो है वो सेम हो, a+b और c+d। तो 1+5 -4 आ रहा है और 3+-7 यहाँ से भी -4 है, दोनों से हमारे पास सेम आंसर आ रहा है, तो हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया है जी दोनों से। अब ये दोनों में सेम सेम टर्म है, हम इसको लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया है बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर्स आएंगे वो ये आ जाएंगे, हमारे पास दोनों आंसर्स y-29 = 0 और y+3 = 0। अब हम बैक लेट कर देंगे अगेन क्योंकि हमारा वेरिएबल एक्स था, तो बैक लेट करने के बाद ये जो हमारी इक्वेशंस आ रही हैं इसमें क्योंकि 29 के हमें फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे और 29 इज अ प्राइम नंबर, तो इसके फैक्टर्स जो है वो बहुत मुश्किल से बनेंगे हमारे, अगर हमारे बने भी तो आई थिंक सो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 29 का जो फैक्टर होगा वो 1 मल्टीप्लाई बाय 29 होगा जस्ट एक, और 29 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा।
जिसको हम मल्टीप्लाई करके 29 ला सकते हैं, तो हमें 4 जो है वो किसी सूरत में भी नहीं मिलेगा, तो हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सिंपल है, 3 और 1 का जब हम करेंगे तो -4 हो जाएगा, तो ये बाय फैक्टराइजेशन इजिली आंसर आ जाएगा और हमारे पास ये जो ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, जो हमने प्रीवियस इससे रिलेटेड एग्जाम्पल डिस्कस की थी उसमें जो टर्म्स थी वो हमारे पास थी x² + 1/x², बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, x + 1/x² दिया हुआ है। तो हम लेट करेंगे इस टर्म को y के इक्वल, तो ये हमारे पास y² - 3y - 4 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्दर देखिए हम इस टर्म को बाय फैक्टराइजेशन, हमने इसके फैक्टर्स बना लिए, हमने यहाँ पे फैक्टर यूज किया 1 × 4, तो 4 आ गया। अब देखिए -4 + 1 = -3, तो हमारे पास ये फैक्टर आ गया। अब यहाँ से देखिए हम इसको बाय फैक्टराइजेशन सिंप्लीफाई सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं, कि एक हमारे पास y - 4 = 0 और दूसरा y + 1 = 0। अब हम यहाँ पे जो है ना बैकलेट कर देंगे, बैकलेट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बच रही है उसमें हमारे पास रेसिप्रोकल टर्म्स आ रही हैं, और उस रेसिप्रोकल टर्म को हमें ख़त्म करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, ताकि जो डिनोमिनेटर में हमारी टर्म आ रही है वो ख़त्म हो जाए, और वो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होगी वो फिर ख़त्म हो जाएगी और बाकी टर्म से एक्स मल्टीप्लाई हो गई, ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इनको सिंप्लीफाई करना, क्योंकि देखिए 1 × 1, 1 का जस्ट 1 ही आएगा, तो हमारे पास कुछ भी फैक्टर्स नहीं हमारे पास बन रहे हैं इसके पॉसिबल, इसी तरह से दूसरे के भी नहीं बन रहे, तो हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ना इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमारे पास इक्वेशन दे दी गई है, अब हमें इसको रेसिप्रोकल में चेंज करना होगा। जैसे हमने ऊपर इक्वेशन हमें रेसिप्रोकल में दी गई थी, हमने सिंपल में चेंज किया था, इसको हमें चेंज करना होगा, तो हम इसको डिवाइड करेंगे जो मिडल वैल्यू होगी हमारे पास x², जैसे कि x⁴ है ना 2n, तो हमें n से डिवाइड करना होगा जो n पावर होगी, हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको अरेंज करेंगे कि x² वाली एक साइड पे और x वाली एक साइड पे, तो अरेंज करने के बाद देखिए इसमें से 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन, इसमें से -5 कॉमन हो रहा है उसको कॉमन, और -14 इज इक्वल टू 0। अब हमने लेट कर लिया x + 1/x = y, हम देखें क्योंकि यहाँ पर होल स्केयर नहीं दिया गया है, यहाँ पर ये टर्म वाई स्केयर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे इसका स्केयर लेंगे और उसको ओपन करेंगे। जैसे अभी हमने प्रीवियस मैंने जब एग्जाम्पल डिस्कस की थी इसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया था, तो हम क्या इसका स्केयर ओपन करेंगे, x² + 1/x² + 2 × x × 1/x, तो ये जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 = y² आ जाएगा, तो जो 2 जो है दूसरी साइड पे जाके माइनस होएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये टर्म है, ठीक है, हमारे पास होल स्केयर नहीं है, हमारे पास ये टर्म है, तो हमें इसी टर्म का आंसर देना है, वो है y² - 2 = x² + 1/x², ये दोनों का आंसर जो है हमारे पास ये आ रहा है। तो हम इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन में पुट करने के बाद हम जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास जो रूट्स आ रही हैं वो आ रही हैं y = 9 और y = 2 -2। अब यहाँ पे क्योंकि हमें बैकलेट करना पड़ेगा, हमारा जो वेरिएबल है ओरिजिनल वो एक्स है, बैकलेट अगर आप नहीं करेंगे तो आपके उनके स्टेप्स के मार्क्स की कटिंग हो जाएगी मस्ट भी, तो एक्स 2x + 1/x - n - -9 = 0 बाय 1, सॉरी। और अब हम इसको 2 मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जो मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यों किया, क्योंकि हमारे जो डिनोमिनेटर टर्म है हम उसे खत्म करना चाह रहे हैं, तो ये जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है इक्वेशन, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगेन हमारे पास वही मेथड्स हैं जो हम प्रीवियसली यूज करते आए हैं, तो उन्हीं मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके हम आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इनमें रेडिकल इक्वेशंस आ रही हैं, तो इनमें एक्सटेंटेनियस रूट्स भी आएंगी, तो क्वेश्चन नंबर 11 को जब हम सॉल्व करते हैं, जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट दिया हुआ है, इसको खत्म करने के लिए हम बोथ साइड पे जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, और इनको हम कंबाइन करेंगे, देखें ये टर्म्स जो इधर प्लस हो रही हो जाएगी माइनस हो जाएंगी, तो हम इन टर्म्स को उधर ले जाएं या इनको इधर ले आओ सेम ही है, तो हमारे पास क्या आ गया जी 4x² - 9 है, वो एक्स
प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। और अब इसके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं हमारे पास? हमारे पास इसके फैक्टर्स आ रहे हैं जी, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू आंसर आ रहा है, और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर फोर आ रहा है। अब हमें दोनों को ही पुट करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सी इसकी रूट है और कौन सी नहीं है, जब हमने एक्सटेंटेनियस रूट के बारे में ऊपर डीप स्टडी किया हुआ है। तो जब हमने x इज इक्वल टू टू पुट किया तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है, फेल्स हो गया। तो ये जो टू है ना, ये हमारा एक्सटेंटेनियस रूट है। और इसी तरह से x, अगर आपको अभी भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल की है ना हमने लेक्चर के स्टार्ट में, आप उसको देख सकते हैं। तो पुट हमने कर लिया, एक्स इज इक्वल माइनस वन ओवर फोर। अब हम इसको पुट करके चेक करेंगे क्या हमारा आंसर जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। जी, तो हमारे आंसर जो है दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो ये ट्रू हो गया, ये एक्सटेंटेनियस रूट नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी रेडिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं। तो रेडिकल इक्वेशंस को हमने सॉल्व करने के लिए बहुत साइड पे स्केयर रूट लिया है, स्केयर रूट ऑलरेडी है तो हमने स्केयर लिया है। स्केयर लेने से हमारे पास जो है ये जब ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो दोनों का स्केयर खत्म हो जाएगा स्केयर रूट के साथ, प्लस टू इंटू ए बी, और ये कंबाइन होगी और यहाँ से हमारे ये स्केयर स्केयर ये हो जाएगा। अब यहाँ से जब इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब ये जो दोनों टर्म्स है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारी सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि ऑलरेडी स्केयर रूट है तो हमें इसको खत्म करने के लिए अगेन स्केयर लेना पड़ेगा, और अगेन स्केयर लेंगे तो हमें इसको भी अगेन ओपन करना पड़ेगा इस पे भी स्केयर रूट की वजह से। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, माइनस वन प्लस टू स्केयर है। अब हम माइनस को यहाँ पे कॉमन कर लेंगे तो एक्स माइनस टू होल स्केयर। तो ये जो माइनस है ना, ये स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे गया एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। तो ये इस तरह से सॉल्व होके हमारे पास आएगा। अब दोनों को कंबाइन करने के बाद हमारे पास ये जो आंसर में आ रही है दिस टर्म, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने चेक कर लेना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको सॉल्व करके वैल्यूज निकाली हैं एक्स की, एक्स की दो वैल्यूज आ गई। अब दोनों पे हम इसकी चेकिंग करेंगे कि कौन सी एक्सटेंटेनियस रूट है और कौन सी दूसरी रूट है। तो पहले हम एक्स इज इक्वल है माइनस 34/3 पे चेक करते हैं। तो 34/3 पे जब हम इसको चेक करें, कंडीशन फेल्स हो रही है। मतलब आपने सिंपली जो ऊपर इक्वेशन लिखी ना रेडिकल इक्वेशन, उस समय जब हम इसको पुट करके चेक करेंगे ना, तो ये आपका आंसर जो है ये सही नहीं दोनों साइड पे आ रहा, तो ये फेल हो गया। सो एक्स इज इक्वल माइनस 34/3 इज एन एक्सटेंटेनियस रूट। तो ये हमारे पास क्या एक्सटेंटेनियस रूट्स आ गई, तो इसका सॉल्यूशन सेट मस्ट बी माइनस टू। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हमारे पास दो टर्म्स यहीं पे दी गई हैं, रूट स्केयर रूट्स वाली, और ये दो टर्म्स इधर दी गई हैं, एक टर्म इधर दी गई। हम इनका स्केयर करेंगे बोथ साइड्स। जब हम दोनों को स्केयर लेंगे बोथ साइड्स पे तो हमारे पास दिस टर्म और दिस टर्म। तो और ये जो टर्म है हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और इनको करेंगे। अब हमारे पास फिर भी एक स्केयर रूट में आ रहा है, तो डिवाइड कर देंगे बोथ साइड को टू से, क्योंकि टू के मल्टीपल्स में आ रहे हैं। तो टू से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग ये आ गई। अब इसका हम स्केयर रूट, क्योंकि फिर से इन्वॉल्व है, तो इस स्केयर रूट को खत्म करने के लिए हम स्केयर लेंगे बोथ साइड्स, और यहाँ पर जो है वो स्केयर ओपन हो जाएगा। और दोनों को कंबाइन करने के बाद ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यानी कि रेडिकल फ्री इक्वेशन आ गई है। रेडिकल फ्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। और यहाँ से हमारे पास से एक्स की दो वैल्यूज आ गई हैं, हम उनको अगेन इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे। तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वन के लिए ये ट्रू है, लेकिन एक्स इज इक्वल है माइनस 23/24 के लिए ये फॉल्स है। तो ये हमारी एक्सटेंटेनियस रूट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.4 और उससे रिलेटेड जो थोड़ी सी थ्योरी होगी और एग्जाम्पल होंगी उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।